यार ये वैसे मुझे तुझे इजाजत मिल जाती ना तो हम भी हेमी के साथ 2-3 दिन के लिए कराची चले जाते। जी नहीं, कोई शौक नहीं है मुझे उसके बेफाम मनोज बहन भाइयों से मिलने का। और मम्मी भी गाँव गई हुई है, तेरा ख्याल है मिशी बेचारी को अकेला यहाँ पे छोड़ के चला जाता। हाँ, मिशी तो छिनिका की है ना, मिशी को तो अकेले घर में डर लगता है ना। बॉडीगार्ड तो चेक हो जाए मिशी को। मिशी कोई भलाई का जमाना रह गया वैसे? एक तो बंदा किसी का ख्याल करे और आगे से नखरे चेक कर ले। जी को जाओ, देखो कौन आया। मैं ही देखना जाके। तुम तो छन्नी काकी नहीं हो, मिशी तो बड़ी बच्ची है, बेबी कुत्ते वाला खोल सकती है। ना की शान, देखो तेरा चीकू मिस्टर के पार निकल आए, खुद देख लेती हूँ, तुम मरो या ठूसो। इधर से खाट ठूसता रहता है बाकी से नहीं। मिशी कोई सलाम करे तो उसका जवाब दे देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो, अब यही खड़े हो गए कि चलो अंदर चले। सो बिस्मिल्ला जी, चले जी, चले जी, चले जी, ठहर जाओ। नहीं मां सुन के जाए, नहीं मां मारी जाए। चल प्यार कर रही हूं। चीकू तोबा, किस किस्म के मेहमान आए हुए नीचे वालों के घर। 3 घंटे से इतना शोर मचाया है, जरा एहसास नहीं कि ऊपर भी कोई बसता है। वैसे मेरा ख्याल है कि जब हम भी चीख चीख के लड़ते होंगे तो नीचे वालों का भी हमारे बारे में यही ख्याल होता होगा। ओहो, कितनी हमदर्दियां जाग रही हैं तुम्हें नीचे वालों के लिए। खैर तो है ना सल्लू डियर। चलो तुम्हें तो बस मुझे तंग करने का बहाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो बहाने ढूंढती रहती हूँ, मुझे तो लड़ने का बहुत शौक है। तुम तंग होने वाली चीज हो। टीना टीना टीना, खुदा के वास्ते कभी तो तुम। क्या कभी तो तुम? पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी तुम जैसी सजा मुझे मिल गई है। टीना। क्या टीना, तुम्हारी जुर्रत कैसी है? तुमने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की है। ये ऊपर इतना शोर क्यों मच रहा है? ऊपर वाले पोर्शन से दूसरे किराएदार रहते हैं। अच्छा, तो वो इतना शोर मचा मचा के रहते हैं? विलेज वैली आंटी जी, आपको नहीं पता ना, ये जो शहर में मॉडर्न हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं ना, इसी तरह फाइटिंग्स कर कर के रहते हैं। ये क्या कह रही है बच्ची? मीदा भाभी, तुझे नहीं समझ आने की, बस तू सुन लिया कर चुप करके। वो उसको कहते आपको किसी बू आ रही है? नहीं जी। तो फिर क्या आपकी नाक पे किसी ने मुक्का मारा है? नहीं जी। तो फिर क्या आपकी नाक ही नहीं है? है ना जी। तो भैया पिछले 3 घंटे से अपनी नाक पे रुमाल क्यों रखा है आपने? वो ना जी, वो हाय मां सुद के जाए, मेरा छजाता तो लाड़ा लग रहा है लाड़ा। जी क्या लग रहा है आंटी जी? लाड़ा पुत्र, दूल्हा दूल्हा। और फिर देख तो सही, उसने तो अभी से शर्माना शुरू कर दिया। पर ये हमसे क्यों शर्मा रहे हैं मिस्टर अल्लाह वसाया? हाय नी मां सदके जाए, नी क्यों ना शर्माए, तू इसकी मांग है। मैं तो बस अब भाई सिकंदर से बात करके जाऊंगी, मैंने तो अपनी बेटी को अब पिंड साथ लेकर जाने। मां सदके जाए। एंटी जी, आपकी कोई डॉटर भी है सिटी में? डॉटर नहीं जी, डॉटर इन लॉ को ना जी। देख मिची, तेरे लिए मैंने इंग्लिश भी सीख ली है और क्लिनिशियन भी हो गया हूं। क्या तेरे पैरों में फिरकी लग गई है? तू किसी जगह टिक कर बैठ क्यों नहीं जाती है? बस मदर जी, just don't ask, you know,
आज आपकी डॉटर की लाइफ का सबसे हैप्पी दिन है। आज उसकी लव के वे में से सबसे बड़ा स्टोन असाइड हो गया। हैं? तमो क्या बकवास करी? बस मदर जी आप बस तैयार हो जाए। यू नो आपके होम का ग्रेवयार्ड, मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं वेरे को, हाँ आपके होम का कोर्टयार्ड बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा जब आपकी डॉटर किसी की डॉटर इन लॉ बन जाएगी। क्या बोलती रहती है, इस मुंह को खोलने से पहले जरा सोच लिया कर। मदर जी एक बात तो मैं आपको राइट नाउ बता देती हूँ, हमने शादी बिल्कुल भी पुअर पीपल की तरह ना तंबू शंबू लगा के नहीं करनी, हम रिच पीपल की तरह बिग होटल में शादी करेंगे। हाय मेरी फ्रेंड मिशी बेचारी विलेज में ही रह जाएगी, बट डोंट यू वरी बी हैप्पी। कमो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे तो तेरी कुछ समझ ही नहीं आती, तू क्या बोलती रहती है और किससे कह रही है तू, तू पागल तो नहीं हुई? मदर जी जस्ट डोंट आस्क ओनली सी। मैंने आपको बता दिया कि ये चाची मैडम अपने आप को क्या समझती है कि वो गांव से मुंह उठा कर आएंगी, मुझे ऑर्डर करेंगी, मैं उनके रिटायर्ड बेटे से शादी कर लूंगी। मम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं ना शूट कर दूंगा उस लड़के को। इंसान बनो इंसान, गांव में लोग बुजुर्गों की कही हुई बात का एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, और तेरे नाना ने और इसके दादा ने मरते वक्त इसकी और अल्लाह वसाई की बात बांध दी थी, तो भाभी हमीदा ने आस लगाई। तो अब वो बेशक अपनी आस जो है ना उसको तोड़ दे, और दादाजी को भी डेथ बेड पर प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए। पापा मैं नहीं करूंगी उससे शादी, बस मैंने कह दिया है। मिशी बड़ों के बारे में सब बात करते हैं। अच्छा मम्मी एक बात लेकिन मुझे बता दे, ये लोग हमारे घर में कितने दिन तक रहेंगे? ना तुझे क्या तकलीफ है, तेरा क्या बिगाड़ रहे वो गरीब, और अभी तो सिकंदर भाई ने आना है, मैं उनको कह के आई थी। मैंने आपको बता दिया मैं जहर खा लूंगी, मैं पॉइजन खा लूंगी, लेकिन मैं उस तरी भुसी शक्ल वाले उस विलेज मैन से शादी नहीं करूंगी। देख मिशी बकवास ना कर, मैंने इसीलिए सिकंदर भाई को यहाँ बुलाया कि हम सब बैठेंगे मिलके और ठंडे दिल के साथ फैसला करेंगे। पप्पा मेरी तरफ से आप भले से गर्म दिल से फैसला करें, मैं अब्बा के सामने भी खड़े होकर साफ साफ बोलूंगी मैंने उससे नहीं शादी करनी है। मिशी मेरा जी चाहता है कि मैं एक अंगौड़ लेके तेरी जबान पे रख दूं, कम अज कम 10 दिन तू खामोश तो रहेगी। अरे जो किस्मत और नसीब में होता है ना वही मिलता है। चुप कर जा, अब बकवास ना करी। और Bye. Okay.
आप ही हैं जी कमीशी के रिश्तेदार? हाँ जी, हम ऊपर ये किराएदार हैं और ये आप ही का कमरा है। इजी भाई, ये वाला घर तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, तो इनका कौन सा अपना घर है, किराए का घर है? ये मसाई फ्रिज भी पड़ा है, बाजी मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो नहीं रुके। वो यही कह रहे थे कि ये हमारा घर है, सीधा आपके बेडरूम में गए। क्या, जाओ ना जरा सल्लू को बुला के लाओ, देख लेती हूँ फिर। चलो सल्लू भाई। सल्लू भाई, ए वाह वाह, क्या सोनी है, माशाल्लाह, मां सबके जाए, मां वाली जाए भाई। हाँ जी, क्या हो रहा है, ये नजर नहीं आ रहा, फल खा रहे हैं, और खबरदार ना मारे फल को तुमने नजर लगाई तो। और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? तू कौन है मैं पूछने वाली, जाना के अपना काम कर। देखे मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, एक तो आप मेरे घर घुस आई हैं और मुझसे ऊंची आवाज में बात भी कर रही हैं। कौन सा घर तुम्हारा? नहीं, ये तो मेरे ननंद का घर है। आप आराम से इसी वक्त यहाँ से चली जाए, ये हमारा पोर्शन है। हमको तो जी चीको ने ऊपर वाले कमरे में भेजा था। हाँ जी, वो सात वाला कमरा है। नानी बहन ना, हमें नहीं पता पोर्शन पोर्शन का, हम तो यही रहेंगे। बढ़िया है। देखे आप आराम से। किसको कह रही हो आराम से? खबरदार मेरे घर में क्या बात है? एक तो नीचे वाले बच्चे मुझ पर साफ से भी कहोगे, अगर आप ही मैं तो क्या बात कर रही हूँ? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या करूँ, क्या हो गया, इसको संभाल के रख, मैं तुम्हें बता दूँ। ये हुए, नीचे वालों के मेहमान ऊपर आ गए, हमारी फ्रिज से चीजें निकाल निकाल के ठूस रहे हैं। तो अजीना ना, ऐसे भी क्या हो गया, ऐसे भी क्या बात है? हाँ ऐसी भी क्या बात है, चले जी उठे यहाँ से, अभी मैं बुलाती हूँ आंटी को। कौन सी आंटी को बुलाती हूँ, बुला ले तू आंटी, वो आंटी को, मैं आनी किसी से डरती। नहीं आंटी, वो दरअसल बात किस तरह की गलतफहमी हो गई है, ये हमारा वाला पोर्शन है, क्या आपका साथ वाला कमरा है? हाय, तो मां सदके जाए, मां वाली जाए, ये बात के मुझको रोमांस भी कह सकती थी ना। चल खैर, वे चल वे चले, क्यों डरे हम इनसे, शक्ल कितनी मासूम है पूरी कपट्टी, उठा ले उठा अपना फल फ्रूट, ये चांदे भी तुझको खाया भी नहीं जाता, छा क्या रे रास्ता छा, बात तो किसी ने हट जाए। वैसे हद होगी टीना, क्या सोचेंगे वो लोग? सोचेंगे जो भी सोचते रहे बस। ना तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही, क्या सोचेंगे, जो भी सोचते रहे, तुम्हें बड़ी हमदर्दी है जानती है नीचे वालों की, खैर तो है। किन्ना, उस कुड़ी ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, बस मैं बता नहीं सकती। मैं खुद बात करती हूँ, क्या जरूरत पड़ेगी उस बदतमीज औरत के मुंह लगने की, कोई जरूरत नहीं है पूछने। मम्मी आपको नहीं पता, वो तो बहुत तेज और बदतमीज लोग हैं, आप लोग से बात करने जाएगा। सियाने ना बनो, चुप कर जाओ। मैं करती हूँ कि मैं तेरे लिए निचला कमरा ठीक कर देती हूँ, ठीक है, तू उसमें रहे, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी पीनो नहीं पीनो, बड़ी बिस्ती की उस कुड़ी ने मेरी, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी वो बिस्ती। चाची जी, आप इतनी छोटी सी बात पर टेंशन क्यों ले रही है, क्यों परेशान हो रही है, शहर में तो सारे लोग यही करते हैं, फैशन है शहर का। आपको पता है कि आपकी तरह अगर हमारे घर में कोई घुस आया ना, मैं तो उसका वो हशर करूं के बस। जी पता है आंटी, एक दफा क्या हुआ था, इसी तरह ना कोई हमारे घर में घुस आया था, ऊपर वालों के मिलने वाले थे कोई। अच्छा आपको पता है मिशी ने क्या किया था? क्या मिशी ने? एक ईंट उठा के आंटी के सर में दे मारी। अरे मैं मर गई। मगर कमरे में ईंट कहां से आ रही थी? वो मेरी किक मार के ना दीवार में से निकाल दी, फिर मिशी को दे दी, मिशी ने सर में मार दी ईंट उनके। जी नहीं, हमारे घर में होती है ईंटे पड़ी हुई, दीवार में से कोई नहीं मारी थी, इसी तरह पड़ी होती है चीजें, डंडे वगैरह हॉकियां मारने के लिए लोगों को। अच्छा अच्छा जी, आपको पता है जब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है किसी पे भी तो मैं ईंटे मार मार के उसका सर फाड़ देती हूँ। बहुत ईंटे मार
मारने के लिए। तुम इसे मारती हो? जी। मेरा सबसे जय हो आ रही है चल आ चले सकीना के पीछे चले हम सकीना के पीछे चले हम। चीकू ये तो अभी भी मां सबके करी अब क्या करें? मिशी मैं अल्लाह साहब को कत्ल कर देता हूं। चीकू तुम्हारा दिमाग तो सही है, कत्ल कर देता हूं। मिशी अगर ये वाकई एक दिन तक यहां से नहीं गया ना तो मैंने ईंट उठा के इसके सर में मार देनी, सर फाड़ दूंगा मैं इसका। चीकू तुम चीज क्या हो? मिशी मुझे जो मर्जी कह लो, मुझे आशिक कह लो, बीमार कह लो, पागल कह लो, मुझे जुनूनी कह लो, कुछ कह लो मुझे। चीकू तुम दीवाने हो, सोचो अब क्या करना है, क्या करना है। मिशी एक मिनट। मिशी एक आइडिया है। क्या बताओ? एक आइडिया थोड़ा वियर्ड सा है। चीकू आइडिया बताओ। मदर जी हाँ? वो आपने स्वीट्स मंगा ली, मैंने लेके जानी है ना। हाँ मैंने मंगा ली है स्वीट्स, हैप्पी लेके आया था। ये ले स्वीट्स। लाएं जी। ये क्या है? स्वीट्स मदर जी, ये आपने थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली होती तो यूं मुझे आज डिसअपॉइंटमेंट तो ना होना पड़ता। मेरा मतलब था मिठाई, मिठाई कुछ समझ आई? मिठाई ना, तूने मिठाई लेकर किधर जाएं है? वो मेरी फ्रेंड मिशी को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करने के लिए जाना, उसकी बात पक्की हुई है। हाय अब मेरी और चीकू की बारी भी आएगी ना। पता नहीं कैसी बातें करती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती इसकी बात। प्लीज सलू भाई कुछ नहीं हो जाएगा ना सलू भाई, देखिए कुछ नहीं होता, आप उस पे ट्रस्ट करें, कोई तो आपका फायदा हो, कोई तो हमें भी। अच्छा बताओ तो सही करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, आपको जिन बनना है। क्या? सलू भाई देखिए कुछ नहीं होता, आप जिन बनेंगे ना उसके आपको बहुत सारे करोड़ों फायदे होंगे। सबसे पहले तो हमारा काम हो जाएगा और दूसरा है कि जिन बन के ना आप जरा जाके टीना भाभी को जरा करके जब दिखाइएगा उन पे भी कोई रोप शॉप पड़े जरा सीधी हो जाएगी वो भी। क्या मतलब? स्टूपिड डफर, इसका कुछ मतलब नहीं, मतलब ये कि मत ड्रैग करें, बन जाए जिन। सलू भाई बन जाए ना, कुछ नहीं होता सलू भाई, मैं भी जिन बनूंगा। तुझे तो बनने की जरूरत नहीं, तू वैसे ही लगता है इसे अभी भी चिराग में से रगड़ के निकाला है तुझे। मेरे से ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है वरना मैं भांडा फोड़ दूंगा और इसमें तो मेरा कोई जोड़ ही नहीं है। ए शतुंगड़ी आराम से जरा। अच्छा अभी तक तुमने अपनी उस बुस्सी में बहन का गुस्सा देखा, मिशी का गुस्सा नहीं देखा? अच्छा अच्छा कूल इट, लेकिन वैसे वो टीना का कोई बंदोबस्त वैसे करना पड़ेगा। वो टीना मैं ये सोच रहा था कि अगर इस वीकेंड में तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर मैं छोड़ा हूँ तो ठीक रहेगा। सलू खैरियत तो है ना, पहले तो तुम्हें कभी मेरा इतना ख्याल नहीं आया। मैंने तो हमेशा से तुम्हारा ख्याल किया है, तुम ही हो जो मुझे डांटती रहती हो। सलू सीधी तरह से कहो तुम कहना क्या चाह रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं किस वीकेंड में तुम्हें तुम्हारी अम्मी घर में छोड़ाता हूँ तो तुम भी खुश रहोगी। और अगर तुम इस तरह कहोगे ना तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा मैं आराम से कह रहता हूँ तो चली जाओ ना। तुम सही कह रहे हो, मैं पैकिंग कर लूँ कपड़ों की। मैं से तो मदद करा दूँ? नहीं जी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है yeah!